दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी इन स्प्रेस का इस्तेमाल कई चीज़ों के लिए किया है, चाहे वो कॉन्फिडेंट दिखने के लिए डिओड्रेंट्स हो, या जब कभी हमारे मांसपेशियों में दर्द हो तो रेलिस्प्रे, वॉलिनी या मूव के रूप में हो, या जब कभी हमारे घरों में मच्छर या कॉकरोचों का आतंक हो तो हमने मोर्टिन या हिट के रूप में इसका इस्तेमाल किया है। दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में एक सवाल आता रहता है कि आखिर क्यों इस कंटेनर का एक बटन दबाने से ही इतनी तेजी से इसके अंदर की सारी चीजें कैसे बाहर आ जाती है। इस वीडियो में दोस्तों आज हम जानेंगे कि एक बटन को दबाते ही चीजें कैसे बाहर आती है, अब इसके अंदर जो फोर्स और प्रेशर जनरेट होता है वो कैसे होता है, और बाहर निकलते ही कुछ हिस्सा हवा में क्यों उड़ जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल औषधि में, और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इस कंटेनर और इस सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस तरह के सिस्टम को एरोसोल असेंबली बोलते हैं। इसमें दो हिस्से होते हैं, पहला होता है कंटेनर और दूसरा होता है कंटेंट। कंटेंट यानी वो चीज़ जो बटन दबाने से बाहर आता है, और कंटेनर यानी वो चीज़ जिसके अंदर ये कंटेंट भरे हुए होते हैं। कंटेंट में भी दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है प्रोपेलेंट और दूसरा होता है मेडिकामेंट और एक्सीपिएंट्स। दोस्तों, आपको ये दोनों चीज़ें आगे समझ में आ जाएगी। और कंटेनर के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं, पहला होता है बॉडी और दूसरा होता है वाल्व असेंबली। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एक एरोसोल असेंबली है। इसके ऊपर के हिस्से को लिड कहते हैं, जिसे मैंने रिमूव किया है, और नीचे के हिस्से को बॉडी कहते हैं, जिसके अंदर कंटेंट होता है। और जो बटन मैंने दबाया जिससे कंटेंट बाहर आ रहे हैं उसे एक्चुएटर कहते हैं। एक्चुएटर को रिमूव करने के बाद जो पतला पाइप आपको दिख रहा होगा उसे स्टेम बोलते हैं, और उसके चारों तरफ सिल्वर कलर का जो है उसे सीलिंग बोलते हैं। इसके नीचे और भी हिस्से होते हैं, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये मैंने एक एरोसोल असेंबली को काट के उसके अंदर की वाल्व असेंबली निकाल ली है। हाँ दोस्तों, एक्चुएटर से लेके नीचे आपको जो पतले पाइप तक का हिस्सा दिख रहा है उसे वाल्व असेंबली बोलते हैं। एक्चुएटर को रिमूव करने के बाद ये आपको दिख रहा है, यह है स्टेम। और दोस्तों, स्टेम के नीचे गोल्डन कलर का जो पोर्शन है वो सीलिंग है, जिसे मैंने काट लिया है। दोस्तों, ये स्टेम के साथ और पोर्शन जो आपको अटैच दिख रहा है इसे वाल्व बॉडी कहते हैं। और दोस्तों, ये जो स्टेम है ये प्रेस होता है, और जब ये दबता है तो इसके साथ इसके जो वाल्व बॉडी में जो स्प्रिंग है वो भी दब रही है। देखो दोस्तों, जब ये स्टेम दब रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि इसकी अंदर जो स्प्रिंग है वो भी दब रही है। दोस्तों, इस स्प्रिंग वाले हिस्से को याद रखिएगा। अब दोस्तों, ये जो आपको पतला पाइप दिख रहा है जिसे मैंने रिमूव किया है उसे डिप ट्यूब कहते हैं। बेसिकली ये एक पाइप अटैचमेंट है जो कि कंटेंट के एंड तक होता है। इसी के थ्रू कंटेंट एक्चुएटर से बाहर निकलता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि बटन यानी कि एक्चुएटर को दबाने से कैसे स्प्रे यानी कंटेंट बाहर आता है। दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया कि एक्चुएटर के साथ स्टेम कनेक्ट है, उसके साथ गास्केट, उसके साथ स्प्रिंग, फिर फ्लैप्स, हाउसिंग और साथ में डिप ट्यूब, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दोस्तों, ये जो स्प्रिंग है ये फ्लैप से कनेक्टेड है। फ्लैप्स बेसिकली एक तरह से आप इनको दरवाजा समझ लीजिए, और ये दरवाजे बंद कंडीशन में है, यानी कि इनसे कोई भी चीज पार नहीं हो सकती। और दोस्तों, ये कंडीशन तब है जब एक्चुएटर नॉर्मल कंडीशन में है, यानी कि अभी एक्चुएटर बटन को दबाया नहीं है। दोस्तों, एक्चुएटर बटन को दबा दिया गया है, जिससे उससे कनेक्ट स्टेम भी दबेगा। अब स्टेम के साथ कनेक्ट स्प्रिंग है तो वो नीचे की तरफ झुकेगी, यानी कि वो नीचे की तरफ दबने लगेगी। अब स्प्रिंग के साथ हमारी खिड़कियां यानी कि फ्लैप्स कनेक्ट है। अब स्प्रिंग नीचे की तरफ जा रही है तो वो फ्लैप्स में टेंशन देगी, जिसकी वजह से फ्लैप्स भी नीचे की तरफ खुल जाएंगे, जिससे एक ओपनिंग यानी कि एक रास्ता क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि कंटेंट वो सीधा बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, अब एक्चुएटर को रिलीज कर दिया गया है, यानी कि अब इस बटन को नहीं दबाया जा रहा। तो इससे होगा क्या कि जो स्टेम पे जो फोर्स लगा था वो टूट जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे स्प्रिंग पे जो फोर्स लग रहा था वो भी नहीं लगेगा। तो अब स्प्रिंग पे जो फोर्स लग रहा था, जिससे कि हमारी जो खिड़कियाँ थी वो नीचे की तरफ खुली हुई थी, वो भी फोर्स ना होने की वजह से वापस ऊपर की तरफ यानी कि बंद पोजीशन में चल जाएगी, जिससे अब जो ओपनिंग क्रिएट हुई थी वो बंद हो जाएगी और कंटेंट बाहर आना रुक जाएगा। हाँ, तो दोस्तों, अब जानते हैं कि इस कंटेनर के अंदर प्रेशर कैसे जनरेट होता है।
मगर उससे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों, जब हम किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट या वोलाटाइल तरल पदार्थ को किसी बंद कंटेनर के अंदर रख देते हैं तो दोस्तों उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो कुछ ना कुछ अमाउंट में इवेपोरेट होता है। दोस्तों, ये इवेपोरेट होने की वजह से ये बहुत तेजी से इधर उधर मूवमेंट करने लगते हैं और बंद कंटेनर की वॉल्स पे स्ट्राइक करने लगते हैं। तो दोस्तों, इन वेपर की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो दोस्तों, अब अपने एरोसोल असेंबली पे वापस आते हैं। ये एक खाली एरोसोल कंटेनर है। अब इसके अंदर दोस्तों हमने प्रोपेलेंट और अदर चीजें भरी है और कंटेनर को सील कर दिया है। अब दोस्तों, प्रोपेलेंट एक बहुत ही हाईली वोलाटाइल सॉल्वेंट होता है, तो ये बहुत तेजी से वेपराइज होता है, यानी कि बहुत तेजी से गैसियस फॉर्म में चेंज होने लगता है। और गैसियस फॉर्म में चेंज होने के साथ साथ ये वेपर प्रेशर डेवलप करने लगता है और बहुत तेजी से दबाव बनाने लगता है। दोस्तों, ये प्रोपेलेंट जितनी तेजी से गैसियस फॉर्म में चेंज होता है उतनी ही तेजी से वापस लिक्विड फॉर्म में भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। दोस्तों, ये एरोसोल की क्लोज असेंबली है, यानी एक्चुएटर अभी दबा नहीं है। दोस्तों, अब जैसे ही एक्चुएटर को दबाते हैं तो दोस्तों एक ओपनिंग क्रिएट होती है और जो वेपर है वो तो प्रेशर अपना लगा ही रहा है, तो ओपनिंग होने से वो रास्ता मिल जाता है और जो सारा कंटेंट है वो प्रेशर उस कंटेंट को बाहर निकाल देता है। इसीलिए एक्चुएटर दबने पे कंटेंट इतने प्रेशर के साथ बाहर आता है। दोस्तों, इसे एक एग्जांपल से समझिए। समझ लीजिए, इस सिरिंज के अंदर मैंने एक प्रोपेलेंट भरा हुआ है। इसे आप एक एरोसोल असेंबली समझिए। दोस्तों, सिरिंज की ओपनिंग पे मैंने जो फिंगर लगाई है उसे आप एक्चुएटर की नॉर्मल पोजीशन समझिए और पिस्टन को आप प्रेशर समझिए। प्रेशर तो पूरा लग रहा है लेकिन ओपनिंग न मिलने से बाहर नहीं जा पा रहा है। दोस्तों, उंगली हटाने का मतलब है मैंने एक्चुएटर का बटन दबा दिया है, जिससे एक ओपनिंग क्रिएट हुई और प्रेशर के साथ कंटेंट बाहर आ गया। इन शॉर्ट, प्रोपेलेंट एनर्जी क्रिएट करता है और एक्चुएटर रास्ता। अब जानते हैं कि बाहर आते ही कंटेंट का कुछ हिस्सा हवा में क्यों उड़ जाता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का जो वातावरण है उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें H2O यानी कि पानी तरल फॉर्म में रहता है, मगर यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी है जो इस प्रेशर पे गैसियस फॉर्म में रहती है, जैसे CO2, NO2 और भी बहुत सारी गैसें। तो दोस्तों, जनरली प्रोपेलेंट्स ऐसे ही सबस्टेंस होते हैं जो पृथ्वी के नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैसियस फॉर्म में होते हैं, मगर जब इन्हें पृथ्वी के नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर मिले तो ये तरल फॉर्म में आ जाते हैं। इसी वजह से इन्हें एरोसोल कंटेनर में बहुत ही ज्यादा प्रेशर से भरा जाता है, जिससे ये वहां तरल फॉर्म में आ जाते हैं, फिर एरोसोल को एयरटाइट सील किया जाता है। जब एक्चुएटर दबाने से ये सारा कंटेंट बाहर आता है तो दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है, यानी कि हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये वापस से अपनी पुरानी वेपर स्टेट में चले जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।